अभी विवादों में रहा, विपक्ष भी पूरी तरह से हावी रहा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पहली बार आदिवासी महिला को जो है राष्ट्रपति चुना गया है, भारी मतों से जीतने के बावजूद अब हम जो है यहाँ पर इस पर मौजूद हैं और जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी इस पर क्या राय है कि महिला को जो है राष्ट्रपति चुना गया है, उस पर उनके क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे कि महिला को जो राष्ट्रपति चुना गया है। देखिए, हमारे देश के अंदर एक आदिवासी ऐसे लोग हैं जिनको शायद कहीं ना कहीं पिछड़ों में रखा गया है, मगर आज बड़ी खुशी की बात है कि आदिवासी महिला आज देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। जल्दी ही वो शपथ लेंगी। पिछले कई दिनों से लगातार विपक्ष और वर्तमान सरकार के बीच खींचाखींची चल रही थी, जहां वर्तमान सरकार ने इनका नाम आगे किया था और आने के बाद जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि विपक्ष अब पूरी तरह से निराश दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्रॉसिंग बोर्ड भी लगातार हुई है। तो ये तय है कि एक महिला आदिवासी पहली महिला इस देश की राष्ट्रपति बनेगी और पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि एक महिला जो इस जाति से आती है जहां आदिवासी लोग रहते हैं और आदिवासी लोगों के विषय में आप सभी लोग जानते होंगे, तो सबसे ज़्यादा खुशी आदिवासी लोगों को है क्योंकि आज उनके इलाके का, उनके जगह का, उनके साथ का रहने वाला एक महिला देश के उच्च जगह बैठेगी और इस देश के विषय में क्या निर्णय लेंगी वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो वर्तमान सरकार ने सोचा था वो साथ हुआ, अब उम्मीदें जो लोगों की हैं, जो आदिवासियों की उम्मीदें हैं, वो देखने की वाली बात होगी। क्या कहना चाहेंगे कि आदिवासी महिला को जो है राष्ट्रपति चुनने के बाद जो है विपक्ष पूरी तरह से हावी रहा, क्या कहें? देखिए, 15वें राष्ट्रपति के रूप में बहुत जल्द शपथ लेने वाले हैं देश की आदिवासी महिला, और आदिवासी लोगों के लिए पहले किसी न किसी भ्रम में पैदा करके उनको आगे नहीं लाना चाहते थे, लेकिन आज विपक्ष पूरी तरह से पस्त हो गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदिवासी समाज अब आगे अपने लिए वर्के और आगे आएगा। कहेंगे महिला को जो राष्ट्रपति चुना गया है? देखिए, प्रथम महिला इससे पहले राष्ट्रपति रह चुकी हैं प्रतिभा देवी पाटिल, ये दूसरी महिला हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आदिवासी के तौर पर इनकी पहचान है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एक बहुत ही सरल स्वभाव की महिला हैं और बताया जाता है कि राजनीति में इनका बहुत बड़ा इतिहास है, राज्यपाल रह चुकी है, उससे पहले सांसद रही हैं। तो खास तौर पर अगर देखा जाए तो आदिवासी लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशी का दिन है, क्योंकि आज उनका भी एक जनप्रतिनिधि जो देश के लिए प्रथम नागरिक कहा जाता है देश का, वो उनका प्रतिनिधित्व करेगा, तो एक बहुत हर्ष की बात है आदिवासी लोगों के लिए। और अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष ने भी पूरी कोशिश की थी कि वो अपने पक्ष का एक राष्ट्रपति देश में दें जिससे कि जो आज के हालात है उस पर अंकुश पाया जा सके, लेकिन विपक्ष इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाए। NDA यानी जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी गुट थे, उन्होंने सभी ने मेहनत करके आज इस मुकाम को हासिल किया है कि एक आदिवासी महिला को देश के प्रथम नागरिक पद पर बैठाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनके शीर्ष नेतृत्व के लिए बहुत बड़ी जीत है, और वो चाहते भी थे और वो इसमें पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। ऐसे कैंडिडेट को एक सेंटर में राष्ट्रपति के पद पर लाना, एक महिला को, इसकी महिला को लाना बहुत अच्छा एक प्रयास है, और ये हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है कि जो ऐसे क्षेत्र से महिला आई है, उसने अगर वो जो महिला राष्ट्रपति बनेगी उसके बाद में डेफिनेटली विकास उस क्षेत्र तक पहुंचेगा जहां पर विकास अभी तक पहुंचा नहीं है। देखो, मुझे तो लगता है कि होगा विकास, क्योंकि वो एक आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, तो उन्हें पता है कि कहाँ पर विकास करना है, कहाँ पर विकास नहीं करना है। और हम उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड में भी अभी ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे विकास होना अभी बहुत जगह बाकी है। सर, आपसे भी पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि उनके आने से कुछ विकास होगा? बिल्कुल होना चाहिए विकास, तो जैसे कि वो उस क्षेत्र से आई हुई है कि जहाँ पे विकास नहीं है और यहाँ पे आ रही हैं, तो विकास होना चाहिए बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं पूरी भाजपा को, मोदी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक दलित आदिवासी महिला को इस योग्य समझा कि उसे वहाँ तक पहुँचाया जिसे कल्पना आज तक किसी ने नहीं करी। मोदी सरकार जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति वचनबद्ध है, इसी कारण अब आपने देखा होगा राशन कार्ड जो बने हुए हैं महिलाओं के नाम पाए हुए, जितनी योजना आ रही सब महिलाओं के नाम पर आ रही, ताकि महिलाओं का उत्थान के लिए इस देश में आज पिछड़ा और है, अभी आज भी बहुत पिछड़ा सोच है यहाँ पर महिलाओं के प्रति, उसे आगे लाने के लिए मोदी सरकार वचनबद्ध है, उसी दिशा में वो कार्यरत है, आगे भी करती रहेगी, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। हमारे देश की महिलाएं जो बनी हैं, ये बड़ी गर्व की बात है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार किसी महिला को पेश किया,
आज हमारे बीच में एक महिला राष्ट्रपति हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दूंगा, और मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बार कोई आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनी है, ये बहुत गौरव की बात है। पिछड़े समाज को, आदिवासी समाज को ये एक सम्मान की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक महिला राष्ट्रपति बनी है और महिलाओं को उनका हक भी मिलना चाहिए। अच्छा, आप राष्ट्रपति से क्या चाहती हैं, क्या उम्मीद है आपको उनसे कि महिलाओं के प्रति कोई योजना चलाएं या कोई कठोर कानून बनाएं? हाँ, ये कि कठोर कानून बनना चाहिए और महिलाओं के लिए बराबर की नौकरी होनी चाहिए, सरकारी नौकरी। आजकल देखा जाता है कि बहुत कम जॉब की वो निकल रहे हैं, पर इनके आने से उम्मीद है कि ज़रूर जॉब निकलेंगी और महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा। आज भारत को राष्ट्रपति महिला के रूप में मिल चुकी हैं, तो आप किस रूप से देखती हैं? बहुत अच्छा लगा उनका बारे में सुन के कि वो राष्ट्रपति बनी हैं, वो एक महिला को आगे बढ़ाया गया है, बहुत बढ़िया लगा। हम भी आगे बढ़ेंगे उनके साथ साथ, और फिर ये जो संविधान है इसके लिए अच्छा है क्या महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, बहुत अच्छा है। तो क्या चाहती हैं कि आज, चूँकि आप भी महिला हैं और द्रौपदी मुर्मू भी भारत को नई राष्ट्रपति मिली हैं, आप उनसे क्या उम्मीद है आपको और क्या चाहती हैं उनसे तो महिलाओं के प्रति कोई कानून बने? हम उसे अच्छा ही चाहेंगे, जैसे भी कुछ होगा, जैसे प्रतिभा पाटिल थी लेडीज़, वो भी राष्ट्रपति थी, और हमारे औरतों को और आगे बढ़ाया जाएगा, वो आ गई हैं और हैं भी वो आदिवासी। बहुत अच्छा लगा कि हिंदुस्तान ने सब ने उनको आगे बढ़ाया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, वो एक आदिवासी है और गांव से है, दूर से है, और मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने सूझबूझ करके हमारी एक आदिवासी महिला को आज राष्ट्रपति का दर्जा दिया है और राष्ट्रपति बनाया है। सर, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी, आपकी जो आपकी पार्टी ने जो एक महिला, एक वंचित तबके की जो आदिवासी हैं, आदिवासी क्षेत्र की एक महिला को राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया है, आप सभी बधाई के पात्र हैं, आपका हम धन्यवाद करना चाहेंगे। जनता पार्टी की जो सोच है अंत्योदय का विकास, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचारधारा है अंत्योदय का विकास, उसी को आगे ले चलते भारतीय जनता पार्टी का जो अंत्योदय का विकास है, समाज के दलित वंचित शोषित का जो विकास है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक आदिवासी महिला को जो है राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार बनाया, आज भारी बहुमत से जो है उनकी प्रचंड जीत हुई है। यह आदिवासी समाज के लिए, दलित वंचित और शोषित समाज के लिए जो एक विचारधारा, उनका विकास जो है भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल की गहराई से उनका आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। आन खड़े हैं थराली विधानसभा के पिंडरघाटी नारायणगढ़ में, और यहाँ पे जो हमारे पीठ पीछे जो आपने देखा कि देश की जो आदिवासी वंचित तबके की जो महिला है, भाजपा यानी एनडीए ने जो राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया है, लोगों ने जश्न मनाया, आपने जश्न देखा, और बहुत खुशी का माहौल है, यहाँ पे महिलाएं जश्न मना रही हैं।